हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टैनटेक, जहां आपको ढेरों जानकारियां दी जाती है टेक से रिलेटेड और सॉफ्टवेयर और बहुत सारे चीज़ों के बारे में। तो आज का वीडियो हमारा खास होने वाला है क्योंकि एटीएम की तरफ से ऑफर आया है, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इससे पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर मैं अगला वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पेटीएम में अभी एक ऑफ़र आया है, अगर आप अभी जैसे कि हाल चल रहा है कोरोना वायरस को लेकर, तो बहुत सारे फंड पीएम केयर में जा रहे हैं, तो इसलिए इसी को देखते हुए पेटीएम ने एक कैशबैक ऑफ़र निकाला कि और ज़्यादा से ज़्यादा कोई सभी लोग डोनेट करें। तो अगर आप पेटीएम में जाते हैं, और जी हाँ, पेटीएम जो है आपको सिर्फ ₹1 पे करने से, ₹1 अगर आप पे करते हैं पेटीएम सॉरी प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में, तो आपको ₹50 तक का कैशबैक देता है अभी पेटीएम ऑफ़र इसका है। तो ऑफ़र शायद लिमिटेड समय के लिए ही होगा, तो आप जल्द से जल्द करें कि जल्द से जल्द मैं आपको बता दूँ कि कैसे प्रोसेस है इसका। सभी डेमो दे देता हूँ आपको, लाइव प्रूफ के साथ भी देता हूँ। तो आप जल्द से जल्द पेटीएम को, सबसे पहले आप अपने पेटीएम को अपडेट करें और पेटीएम को ओपन करें, और आगे के वीडियो में आप बने रहें, मैं आपको सभी प्रोसेस समझा देता हूँ अच्छे से। तो अगर आप पेटीएम खोलेंगे, जहाँ पर लिखा है पेटीएम केयर फंड्स, वहाँ ऊपर में आपके लिखा रहेगा पहले से ही गेट ₹50 कैशबैक, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके ऊपर लिखा हुआ है गेट ₹50 कैशबैक, तभी आपको मिलेगा। तो आपको खुलेगा ऐसा इंटरफेस कोई खुलेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो UPI ID है उसको कॉपी कर लेना है। आप UPI ID से ही पेमेंट करें, तो उसको आप कोई भी UPI ID या फिर कोई भी बैंक अकाउंट, ऐसा नहीं कि पेटीएम ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो आगे प्रोसेस कर लेंगे। आप यहाँ पर UPI पेस्ट कर देंगे, अगर आपका बैंक लिंक है तो ले लेगा, मेरा बैंक लिंक नहीं था तो इसमें बैंक लिंक करना पड़ा मेरे को। तो फिर आप अपना बैंक अगर लिंक नहीं है UPI से तो लिंक कर लें। यहाँ हमने बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट, फिर आप यहाँ अमाउंट डाल देंगे, आप अमाउंट डाल देंगे ₹1 डाल देंगे, तो आपका अमाउंट जब आप डालने के बाद पेमेंट कर देंगे। तो मेरा प्रॉब्लम है, मैं अपने दूसरे अकाउंट से पेड कर चुका था, तो मैं आपको, आप पहले देख चुके हैं कि सक्सेसफुल हो चुका है, मैं आपको सीधा हिस्ट्री दिखाता हूँ। यहाँ देखिए UPI ट्रांजेक्शन में मेरे ₹51 है, तो ₹50 कैशबैक आया था। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में ₹1 ट्रांसफ़र किया था, तो ये देख सकते हैं आप, तो मुझे मिला था ₹50 रिफंड कैशबैक मिला था, देख सकते हैं आप जैसा कि। तो आप लोग भी जल्द से जल्द जाएं और इस ऑफ़र को लाभ उठाएं और ₹1 से ज़्यादा फंड करें। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। थैंक यू।